हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं इस बिल्कुल नए वीडियो में। T20 सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए आज का मैच करो या मरो होने वाला है। अगर टीम इंडिया आज का मैच जीत जाती है तो सीरीज का आखिरी मैच देखने में काफ़ी मजा आएगा, लेकिन अगर कहीं आज का मैच हार जाती है तो सीरीज का लास्ट मैच वंडर विजन के पहले 3 एपिसोड की तरह होने वाला है, एकदम बकवास। सीरीज में 2-1 से पीछे चलने वाली टीम इंडिया अगर आज का मैच जीत जाती है तो सीरीज में 2-2 से बराबरी कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो 50T20 फाइनल मैच की तरह हो जाएगा और आप सबको पता है हमें फाइनल मैच देखने में कितना मजा आता है। 4th T20 में सूर्य कुमार यादव को भी मौका दिया जा सकता है। 2nd T20 में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव बिना एक भी बॉल खेले 3rd T20 में टीम से बाहर हो गए थे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को आज की T20 में श्रेयस अय्यर की जगह मौका दिया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि टीम के हाईएस्ट स्कोरर थे वो फर्स्ट मैच में। वही केएल राहुल ने तीनों मैच में कुल मिलाकर 1 रन बनाए, जबकि 2 बार तो 0 में आउट हो चुके हैं। बताओ, क्या श्रेयस अय्यर की जगह केएल राहुल को बाहर करना चाहिए या केएल राहुल की जगह शिखर धवन को मौका देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, बस अब वीडियो को खत्म करने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, इतनी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मैच के बाद नए वीडियो में। बाय।